नागपंचमी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा की जाती है, जिन्हें हिंदू धर्म में सर्प देवता माना जाता है। नागपंचमी के दिन लोग घरों, देवस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर नागों की तस्वीरें या मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व के माध्यम से नागों की कृपा प्राप्त करने और उन्हें शांत करने की मनोकामना की जाती है। इस साल नागपंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपने अगर नागपंचमी के दिन किए तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। नागपंचमी के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की पूजा करें। घर के आंगन या पूजा स्थल पर एक चटाई बिछाकर और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पंडितों से पितरों की पूजा करवाएं। इस दिन शिव भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण का आयोजन करें। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य सहायता प्रदान करें। बस नागपंचमी भगवान शिव के प्रियजन नाग देवता का विशेष पर्व मनाया जाता है। शुक्र श्रावण महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं और नाग पंचमी के दिन जो भी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सभी समस्याएं का अंत होता है। और नाग पंचमी के दिन जो भी लोग विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करेंगे, उनको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और काल सर्प दोष उनके जीवन से दूर हो जाएगा। सोमवार को गंगा जल में काला तिल मिला के भगवान नाग देवता को शिव जी को अर्पित करें, कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और विशेष रूप नाग पंचमी के दिन जो लोग पंचामृत से घी का दीपक जलाकर काला तिल चढ़ाते हैं नाग के ऊपर, उनको उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।